बिहार पुलिस में बतौर दरोगा पटना एयरपोर्ट पर तैनात प्रियंका कुमारी यूं तो रोज अपनी ड्यूटी बखूबी निभाती हैं, लेकिन इस बीच उनकी एक तस्वीर सामने आती है जिसमें वो वर्दी में पुलिस की जिप्सी में बैठी हैं और उनके गोद में उनका 6 महीने का बच्चा है। प्रियंका की यह तस्वीर भले ही वरीय अधिकारियों तक नहीं पहुंची हो, लेकिन प्रियंका जैसी कई महिला पुलिसकर्मी हैं जिनके मन में ये सवाल जरूर होगा कि क्यों महिला पुलिसकर्मियों की मूलभूत जरूरतों को लेकर सरकारें गंभीर नजर नहीं आती। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। 2018 बैच की सब इंस्पेक्टर प्रियंका कुमारी का ससुराल पटना में ही है। पति की छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग है जो CRPF में है। यहाँ घर में कुछ मजबूरियां हैं जिस वजह से अपने बच्चे को वो अकेला नहीं छोड़ सकती हैं। हालांकि हो सकता है कि प्रियंका की ये कहानी सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट कर दे या फिर राज्य के DGP तक ये खबर पहुंचे तो साहब का ध्यान महिला पुलिसकर्मियों की मूलभूत जरूरतों पर जाए और वे जरूरी कदम उठाएंगे। फिलहाल एयरपोर्ट थाने में पदस्थापित महिला दरोगा प्रियंका के 6 महीने के बच्चे की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब है। इसके बावजूद वो लगातार अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। रोज ड्यूटी पर आती हैं, पुलिस की जीप में पेट्रोलिंग पर निकली हैं तो बेटा भी साथ में होता है। जब सड़क पर निकलती हैं तो बच्चे को जिप्सी की सीट पर रखकर कांस्टेबल के भरोसे जाती हैं। इस दौरान बच्चे की देखभाल कांस्टेबल के जिम्मे होता है, वो वायरलेस भी सुनता है और बच्चे को भी देखता है। सब इंस्पेक्टर प्रियंका कुमारी कहती हैं कि कुछ दिनों से बच्चे को सर्दी खांसी और बुखार है। इसके पिता भी बिहार से बाहर ड्यूटी करते हैं, CRPF में हैं। उनकी ड्यूटी अभी छत्तीसगढ़ में लगी हुई है। ससुराल में और भी छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग सास ससुर की भी देखभाल करनी पड़ती है, इसलिए मुझे ड्यूटी के दौरान बच्चे को साथ रखना पड़ता है। ये परेशानी सिर्फ एक प्रियंका की नहीं है। पिछले साल एक ऐसी ही तस्वीर दशहरा के मौके पर बिहार के रोहतास से सामने आई थी जब महिला कांस्टेबल ब्यूटी कुमारी अपने 10 महीने के बच्चे के साथ ड्यूटी करती नजर आई थी। दशहरा त्योहार के दौरान ब्यूटी कुमारी की ड्यूटी शहर के भारतीगंज मोहल्ले में लगाई गई थी। इस दौरान बच्चे को कभी खिलौने में उलझाकर, कभी गोद में लेकर तो कभी साथ में तैनात दूसरे पुलिसकर्मियों की मदद से अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद थी। महिला पुलिसकर्मियों की यह समस्या सिर्फ बिहार की नहीं है बल्कि पूरे देश की है। सरकारें हर थाने में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती का फरमान जारी तो कर देती है, लेकिन क्रेच और शौचालय जैसी मूलभूत जरूरतों को पूरा करना भूल जाती है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो गृह मंत्रालय के मुताबिक बिहार में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या देश में सबसे अधिक है। आंकड़ों पर नजर डालें तो बिहार पुलिस के आंकड़े कहते हैं कि बिहार में करीब 24,000 से ज्यादा महिला पुलिसकर्मी हैं, यानी 23% के करीब है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 2 दशक में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या में करीब 27% की वृद्धि हुई है। इससे पहले साल 2005 में बिहार में मात्र 893 महिला पुलिसकर्मी थी। ऐसे में महिला पुलिसकर्मियों की तादाद भले ही बढ़ी हो, लेकिन उन्हें मूलभूत सुविधाएं देना शायद राज्य सरकार भूल गई है। बिहार में साल 2021 में पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों और BMP की प्रत्येक इकाई में एक क्रेच यानी शिशु गृह खोलने की बात कही थी, लेकिन नतीजा 0 निकला। सिर्फ BMP में पालना गृह, जिसका नाम नन्हे सितारे हैं, खोला गया। अब एक नजर डाल लेते हैं क्या है CSNR की रिपोर्ट। पिछले साल मई 2023 में ओडिशा की संस्था CSNR यानी सेंटर फॉर द सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल एंड सोशल रिसोर्स में ये बात सामने आई कि बिहार में महिला पुलिसकर्मी अपनी मूलभूत जरूरतों जैसे साफ सुथरे टॉयलेट के लिए तरस रही हैं। संस्था ने ओडिशा, झारखंड, बिहार और झारखंड की 328 महिला पुलिसकर्मियों से बात की, जिसमें बिहार की 115 महिला पुलिसकर्मी शामिल थी। ये सर्वे जून 2022 से अगस्त 2022 के बीच किया गया था। स्टडी ऑन चैलेंजेज ऑफ वुमेन पुलिस पर्सनल नाम से जारी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि महिला पुलिसकर्मियों से कार्यस्थल पर उनकी मूलभूत जरूरतों को लेकर सवाल किए गए, जैसे काम के दौरान होने वाली परेशानी, घर और परिवार को लेकर सवाल, शौचालय, परिवहन की सुविधा, यौन उत्पीड़न, क्रेच और वीकली ऑफ को लेकर भी सवाल किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक महिला पुलिसकर्मियों ने कहा है कि थानों में साफ सुथरे शौचालय और क्रेच की भी कमी मिली, यानी शिशु गृह नहीं रहने से
बच्चे को बाहर का दूध पिलाने की मजबूरी रहती है। रेस्ट रूम, काम के बाद घर जाना यानी परिवहन और आवास की सुविधा भी एक बड़ा सवाल है। यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया की जानकारी नहीं है। रिपोर्ट में पीरियड्स के दौरान समस्या का भी महिला पुलिस कर्मियों ने जिक्र किया है, लेकिन बिहार की बात करें तो यहाँ पीरियड्स के दौरान स्पेशल छुट्टी का प्रावधान दिया गया है। डेहरी के ASP शुभांक मिश्रा कहते हैं कि मुख्यालय की गाइडलाइन के अनुसार इस पर विचार किया जा रहा है। क्रेज के लिए फंड आ चुका है, जल्द ही SDM के साथ मिलकर जगह चिन्हित कर ली जाएगी। शुरुआत में एक क्रेज को एक्सपेरिमेंट के तौर पर खोला जाएगा, बाद में दूसरे थानों में भी इसकी शुरुआत की जा सकती है, ताकि जो भी महिला सिपाही बच्चों के साथ ड्यूटी करती हैं उनकी परेशानी कम हो सके और वो बेहतर पुलिसिंग कर सके। फिलहाल तमाम सवालों को लेकर जब एक हिंदी वेबसाइट के संवाददाता ने ग्राउंड पर महिला पुलिसकर्मियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे पर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन इतना जरूर कहा कि समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम किसी से कह नहीं सकते हैं। फिलहाल प्रियंका और ब्यूटी जैसी कई महिला पुलिसकर्मी ने अपनी पुलिस की नौकरी और बच्चों की परवरिश के बीच संतुलन बिठा लिया है और अपना फर्ज बखूबी निभा रही हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी है और अगर आप इस वीडियो पे कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जा करके आप बता सकते हैं, और ये वीडियो कैसी लगी है वो भी आप बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।